हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपने इजी वन फाइव के एक्शन कैमरा के माइक सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ, बहुत दिन हो गए इसको खरीदे हुए और इसका जो माइक का सॉल्यूशन है वो हो ही नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली वो सॉल्यूशन अब हो चुका है और एक बढ़िया क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। हाथों हाथ मोटो व्लॉगिंग करते हुए हाथों हाथ जो भी आपको बोलना है, मतलब जो मुझे बोलना है वो सब मैं बोल सकता हूँ। और ये सब कैसे हुआ है ये सब आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और क्या क्या करना चाहिए। तो जिसके भी ये वाला कैमरा है या फिर कैसोन का, ये कोई भी बजट एक्शन कैमरा है जिसके अंदर इस तरह के माइक प्रॉब्लम आती है, तो उन सब के लिए वीडियो जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो गाइस, जो लोग मेरी तरह ही बिगनर है मोटो व्लॉगिंग के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं कि गोप्रो खरीदने का बजट तो होता नहीं है, तो इसलिए हम जाते हैं इन बजट के एक्शन कैमरास की तरफ जो कि क्वालिटी ठीक ठाक दे देते हैं। हालांकि गोप्रो के जैसी तो नहीं मिलती, लेकिन बात करें इसके प्राइस डिफरेंस की तो वो बहुत ज्यादा आ जाता है। गोप्रो अगर आप लेने के लिए जाओगे तो इस टाइम पे आपको हीरो 9 जो है वो मिल जाएगा 22-23 हज़ार रुपए का, वो भी आपको वहां मिलेगा दिल्ली चांदनी चौक में। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो 25 हज़ार रुपए से ऊपर ही मिलने वाला है। और अगर आप 10 लोगे तो 30 के आसपास का आएगा, 11 लोगे तो वो और भी महंगा आएगा, और अगर आप लोगे 12 जो कि बिल्कुल नया वाला आया तो भाई उसका पूरा सेटअप आपका मेरे ख्याल में 50 के आसपास तो बैठ जाएगा, उससे भी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए हम लोग जाते हैं इन कैमरास की तरफ। इनके साथ में हमें क्या बेनिफिट्स होता है कि इसके अंदर हमें जो है बहुत सारी एसेसरीज जो है वो मिल जाती है। तो जैसे कि इजी वन है और इसके एक कॉम्पिटिटर और है कैसोन का CS6, उसके साथ में आपको माइक वगैरह भी मिल जाते हैं। तो जब भी अगर कोई आप बजट एक्शन कैमरा खरीदने जा रहे हो तो इस वाले को मत लेना, आप कैसोन का ले लेना। उसके साथ में आपको बैटरी चार्जर एक्स्ट्रा मिलता है और आपको एक माइक जो है वो भी इनबिल्ट उसके अंदर बॉक्स के अंदर ही आपको मिल जाता है। तो गाइज, यहाँ पर इसमें माइक कनेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रो USB वाला जैक जो है वो दिया गया है। तो इसमें माइक कनेक्ट करने के लिए आपको या तो इस वाले जैक वाला वो चाहिए माइक, या फिर इसके लिए एक कन्वर्टर आता है जो कि इसी की वेबसाइट से मैंने मंगाया था और ये मुझे पड़ा था 300 रुपए का। इसको आप देख सकते हो, एक तरफ से माइक्रो USB है और एक तरफ से है 3.5 mm जैक। तो इसको सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पर ऐसे लगा देंगे और उसके बाद में इसके अंदर डायरेक्ट माइक नहीं लगाएंगे, इसके लिए हमें एक और ये वाला चाहिए। ये TRS to TRRS कन्वर्टर होता है जो कि अमेजोन पर 100 रुपए का अलग से मिला था। तो ये दोनों आइटम जो है 400 रुपए में मैंने मंगाई थी, तो मैं बहुत खुश हुआ था इनको मंगाने के बाद में। और यहाँ पर ये ऐसे लग जाएगा। अब इसके अंदर आप कोई भी माइक यूज कर सकते हो, तो जैसे कि ये वाला मैंने मंगाया था माउनो का AU400, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माइक है। लेकिन जब मैंने इसको साथ में कनेक्ट किया तो इसकी आवाज जो है बहुत ही बेकार आ रही थी, मतलब मजा ही नहीं आ रहा था, बहुत भारी आवाज थी, ऐसा बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस शो हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये कन्वर्टर जो है इसी में कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि एक चीज और है कि मुझे कन्वर्टर में भी गड़बड़ क्यों नहीं लगती कि अगर मान लो मैं इससे व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, ऐसी नॉर्मल मैं ऐसे बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने यही वाला सेम माइक जो है ये वाले कन्वर्टर के साथ में सेम माइक लगा के मैं इस तरह से अपनी व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो आवाज़ एकदम परफेक्ट आती है। लेकिन जैसे ही मैं उस माइक को हेलमेट के अंदर लगा के मोटो व्लॉगिंग करना चाहता हूँ तो भाई आवाज़ जो है बहुत ही बेकार आती है। तो इसका मतलब जो है ये मोटो व्लॉगिंग के लिए ही दिक्कत कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसी वाली जैक का जो माइक है वो मंगा लेता हूँ। तो इसका जो माइक था वो तो बहुत महंगा था, तो फिर मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, उस भाई के पास में क्या था, ये वाला भी कैमरा था और कैसोन का CS6 जो आता है वो वाला भी कैमरा था। तो वो क्या करते हैं कि कैसोन का जो बैटरी चार्जर है वो इसी में भी यूज़ कर लेते हैं, इसकी बैटरी उसमें यूज़ करते हैं, उसकी इसमें, मतलब मिक्स कर लेते हैं, दोनों अच्छे से काम करती हैं। और जो कैसोन CS6 का माइक है वो भी वो इसके अंदर यूज़ करते हैं और उनको बता रहे थे कि अच्छा काम करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक कैसोन का ही माइक मंगा लूँ, और वो काफ़ी सस्ता भी था, 575 रुपये में मुझे पड़ा था वो। उसके बाद मैंने मंगाया कैसोन CS6 का ये वाला माइक। तो इस वाले माइक के साथ में जब मैंने मोटो व्लॉगिंग की तो आवाज़ जो है बहुत अच्छी आती है, इसकी नॉइस कैंसलिंग जो है बहुत तगड़ी है, और जैसे बराबर में गाड़ियां हॉर्न मारती हुई जाती हैं या फिर मान लो कोई ट्रैक्टर ही जा रहा है जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है या ऐसे और भी कोई व्हीकल जा रहा है तो उसकी आवाज़ को भी ये बहुत कम कर देता है, मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। लेकिन इसके साथ में एक दिक्कत और आ रही थी, जब मैं इसको हेलमेट के अंदर लगा के चल रहा था तो ये ना विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई मुझे फेस पे महसूस नहीं हो रही है लेकिन इसके अंदर विंड जो है आ कहाँ से रही है। मेरा जो हेलमेट है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत तगड़े लेवल का है, उसके अंदर मतलब हार पार नहीं होती है हवा।
फिर भी उसके अंदर आ रही थी। फिर मुझे पता लगा कि यार माइक के लिए हल्की सी हवा भी बहुत तेज होती है, अगर हम अपने माइक पे हल्की सी फूंक मारेंगे तो हमारी जो आवाज़ है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है, तो इसलिए माइक के लिए हल्की सी हवा भी काफ़ी होती है। तो मैंने उसकी हवा को प्रोटेक्ट करने के लिए सोचा, तो फिर मैं दिमाग लगाने लगा, तो उसके लिए आते हैं डेड कैट। तो डेड कैट के बारे में मैंने चांदनी चौक में जाके मार्केट में पूछा था, तो वहाँ पर मुझे कहीं भी नहीं मिला। ऑनलाइन मैंने ट्राई किया तो भाई बहुत महंगे हैं वो, इतने से एकदम घास जैसा होता है उसके ऊपर लगा देते हैं माइक के ऊपर, तो वो बहुत महंगे महंगे हैं यार, 300, 400, 500 ऐसे। मैंने यार इतने रुपए का तो माइक नहीं है जितने रुपए का मैं इसके ऊपर डेड कैट लगा दूंगा। तो फिर मैंने उसके लिए एक जुगाड़ निकाला है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस इसकी आवाज जो है कैसी आती थी वो मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, आप उसको देख लेना। और इसके बाद में हम यहाँ से थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और मैं इसको तेज लेके जाऊंगा, यहाँ से हम इसको तेज लेके जा रहे हैं। कितना तेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 50 पे इस टाइम चल रहा है और इस टाइम ये आ गया 60 पे। तो देखा गाइस कितनी बेकार आवाज आती है। और अभी जो मैंने जुगाड़ बनाया है उसको मैं आपको बता देता हूँ, चलिए फटाफट से। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरा हेलमेट और ये काफी अच्छी क्वालिटी का है, स्टड का है ये, और मतलब अच्छा है लेकिन मोटो व्लॉगर्स के लिए नहीं है। अगर आप मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो पहले मुझे पता नहीं था कि मैं करूंगा भी या नहीं, मन तो बहुत पहले से था, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही खरीद लिया था। तो अभी मैं मोटो व्लॉगिंग के लिए स्पेशल एक और हेलमेट लेने वाला हूं जो काफ़ी अच्छा सा होगा, या तो एक्सोर का लूंगा या फिर कोई और सी कंपनी का। तो उनके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे चिन के नीचे जो आता है ना ये कपड़ा सा लगा हुआ आता है, तो उससे क्या है हमारी विंड नॉइस जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैंने इसके अंदर मास्क को काट के, जो अपना मास्क होता है जो कोरोना के टाइम पे हम पहनते थे, उसको मैंने काट के यहाँ पे लगा दिया है और अच्छे से इसको फिक्स कर दिया है ताकि हमारी जो हवा है वो इसके अंदर ना जा पाए। तो एक जुगाड़ तो मैंने ये किया है। और गाइज ये है अपना कैसोन CS6 वाला माइक, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जैक जो है डायरेक्ट वही है 3 माइक्रो USB वाली, और ये अपना माइक है। तो अपने इस माइक के ऊपर ना ऐसे ही एक काली सी फोम चढ़ी हुई थी, तो पहले मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा था तो इसमें बहुत ज़्यादा विंड नॉइस आ रही थी, तो अभी मैंने इसके ऊपर जो है एक फोम लगा दिया है जिससे कि इसके अंदर हवा जो है वो कम जाए। अब ये फोम कौन सी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये इस तरह की फोम होती है, अगर आपने कहीं देखी हो, और ये कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो टेलर के मटेरियल का सामान मिलता है ना, जिस दुकान पर रील वगैरह जो रील होती है सिलाई करने वाली, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप 10 रुपये में लेकर आओगे तो बहुत सारी आपको मिल जाएगी। तो ये इतनी सारी मिली थी और इसको जो ना अभी मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, आपको बना लेने ऐसे छोटे छोटे चकोर पीस, तो आपको इसकी 2 या 3 लेयर जो है वो ले लेनी है और अपने माइक के ऊपर लगा देनी है इस तरह से, देखो ऐसे करके, और फिर इसको ऐसे मोड़ के यहाँ से, और ये एक अच्छी तरीके से फिर आप इसको ऐसे करके, और ये वाली जो टेप आती है ना इस टेप से आप इसको ऐसे बांध सकते हैं ताकि ये जो है आराम से खिसके ना, तो फिर काफ़ी हद तक आपकी जो विंड नॉइस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये मेरा माइक है जिस पर मैंने ये लगाई हुई है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैंने इस पर 2 लेयर लगा रखी हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाई स्पीड में हो सकता है कि ये तंग कर जाए मुझे, तो इसके ऊपर मैं 2 लेयर और लगाने वाला हूँ अभी, और फिर उसके बाद में मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगा मोटो व्लॉगिंग के सेटअप पर कि कैसी आ रही है, और काफ़ी तेज़ चला के भी दिखाऊंगा मैं, 50-60 की स्पीड पर जितने पे भी हो पाएगा मैं करके दिखाऊंगा। उस वक्त मुझे पता चलेगा नहीं, लेकिन आपको वीडियो में ज़रूर पता लग जाएगा। तो चैनल पे मतलब कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको जो है ये जुगाड़ कैसा लगा है, और आप भी अगर ढूंढ रहे थे इस तरह की वीडियो, क्योंकि भाई YouTube पे मुझे कोई वीडियो नहीं मिली इससे रिलेटेड जिसने इस वाले माइक का जुगाड़ जो है वो कर दिया हो, तो भाई फाइनली हमने इसका जो सोल्यूशन है वो ढूंढ लिया है और अपना माइक जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फटाफट से मैं इसके ऊपर 2 लेयर और लगा के और फिर मिलता हूँ आपको मोटो व्लॉगिंग के सेटअप पे। तो चलिए गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने माइक का टेस्ट करने के लिए बाहर, और यहाँ पर जो है शोर शराबा भी काफ़ी है और ट्रैफिक भी ठीक ठाक है, और इसके बाद में अभी तो जो है स्पीड 20 से 30 के आसपास में चल रही होगी क्योंकि मोहल्ले के अंदर तो इतना ही भगा सकते हैं। और इसके बाद मैं जा रहा हूँ मेन रोड पर, तो वहाँ पर हम जो है हाई स्पीड में थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि हाई स्पीड में इसकी आवाज़ जो है कैसी आ रही है, क्योंकि हल्की स्पीड में तो पहले भी ठीक था, अभी सिर्फ जो दिक्कत आ रही थी वो तेज़ चलाने पर आ रही थी, यानी कि 40-50 की स्पीड पे भी अच्छी खासी जो विंड नॉइस है वो आ रहा था, वो कैप्चर हो रहा था। तो अभी हम जो मेरा जो वाइजर है वो ओपन है, तो वाइजर को कर देता हूँ मैं बंद। अभी आ चुका हूँ मैं मेन रोड पे, और यहाँ पर जो है थोड़ा ट्रैफिक है इस वजह से मैं थोड़ा, अभी देखो 40 की स्पीड है, और अभी 40 की स्पीड पर कैसे इसके अंदर साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, और अभी हम थोड़ी सी स्पीड जो है बढ़ा देते हैं, यहाँ पर अब 50+ हमारी स्पीड जो है वो हो चुकी है,
और अभी जो अपने साउंड है वो कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और आज विंड ब्लास्ट जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो, लेकिन ये है कि अपना जो टेस्ट है वो अच्छे से हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रैफिक ख़त्म हो तो मैं इसको 60-70 तक लेके जाऊँ। तो अभी जो अपनी स्कूटी जा रही है देखो 60 की स्पीड जो है टच कर चुकी है, तो 60 पे इसकी स्पीड जो है वो मतलब इसके साउंड जो है वो कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो गाइस अभी मैं लेके जाने वाला हूँ 70 की स्पीड पे, और यहाँ पर देखो 60 और अभी पहुँच चुके हैं हम 70। तो 70 की स्पीड पे इसके जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी आ रही है वो अभी चेक हो जाएगा। तो यहाँ तक 80 तक ठीक है, क्योंकि अगर मैं मोटो व्लॉगिंग करूँगा तो इतनी स्पीड तक ही करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा।